नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम जिस मॉडल के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है रिवाइटो मैक्स एंड रिवाइटो प्रो। ये दोनों मॉडल हैं जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर हैं। इसका डेमो हम पहले भी दे चुके हैं लेकिन पूरा कॉम्बो के अंदर दिया, लेकिन आज हम खाली इन दोनों मॉडल के ऊपर बात करेंगे। और जो आपको इस मॉडल के बारे में बताएंगे वो हैं ये मनोज जी। तो मनोज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो आज हमें इन दोनों मॉडल के बारे में बताइए कि ये मॉडल कैसे हैं। कि मैंने सुना है काफ़ी मॉडल अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इस टाइम पीरियड में सबसे टॉप मॉडल माने जा रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए। और जैसे कि मैं परचेस करने आऊँ तो मुझे भी बताइए कि मुझे आर ओ क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें आर ओ क्यों लेना चाहिए और किस पानी में लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। ओके, अगर हम आर ओ की बात करते हैं तो आर ओ बेसिकली वहाँ यूज होता है जहाँ पे हार्ड वाटर हो। अच्छा, जहाँ का टी डी एस अमूमन 200 से ऊपर हो। ओके, 200 ppm से ऊपर टी डी एस हो तो हमें आर ओ यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पर है कि अगर मान लो हमारे यहाँ पे पानी खारा नहीं है, मीठा है, तो हम आर ओ क्यों लगाएं? ठीक है, अब उसका मैं आपको बताऊँगा कि क्यों लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके आपने देखा होगा जल बोर्ड है जो पानी हमारे पास भेजता है सप्लाई के लिए, दिल्ली जल बोर्ड या कोई सा भी जल बोर्ड है, आपने देखा होगा कि जल बोर्ड तो अपना काम ओके करता है। जल बोर्ड जो पानी को भेजता है प्योरीफायर करके, बढ़िया प्योरीफायर करके भेजता है, लेकिन पानी में कमी कहाँ से होती है? जब ये जो पाइप बिछे हुए हैं हमारे यहाँ पर, ये कोई 25 साल से बिछे हुए हैं, 30 सालों से बिछे हुए हैं। जल बोर्ड इन पाइपों की सफाई नहीं करता। अब क्या होता है, कहीं से कोई भी लीकेज हुई या कोई पाइप टूटा तो उसमें क्या होता है कि सीवर का पानी या फिर नाले का पानी घुसता है, तो वो धीरे 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 क्या होता है, वो पाइपों में जम जाता है, क्योंकि जल बोर्ड पाइपों की सफाई तो करता नहीं है। तो अगर आप देखोगे ना जनवन में तो वो येल्लो येल्लो हो जाता है पाइप पूरा अंदर से। तो अगर हम मीठा पानी टी डी एस तो हमारा मान लो 100-120 के बीच में आ रहा है, लेकिन जैसे सिटी हो गई, दिल्ली हो गई, लखनऊ हो गया या अमृतसर हो गया, ऐसी जगहों पर क्या होता है कि पानी एम सी डी का आ रहा है लेकिन पाइपों की कभी सफाई नहीं होती। तो पाइप जो गंदे होते हैं ना, उनमें क्या होता है, अगर हम आर ओ नहीं लगाएंगे, खाली यू वी लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यूवी क्या होता है, खाली बैक्टीरिया वायरस को डीएक्टिवेट करता है। यानी मैं पूरा बताता हूँ, पानी में से हल्की फुल्की स्मेल, पीलापन, कालापन, एक्सेस क्लोरीन और बैक्टीरिया वायरस को डीएक्टिवेट करता है यूवी, रिमूव भी नहीं करता। अगर हम आर ओ की बात करते हैं एम सी डी के पानी में, तो एम सी डी के पानी में हमें आर ओ इसलिए लगाना चाहिए कि जल बोर्ड कभी भी पाइपों की सफाई नहीं करता। अब मान लो कहीं से लीकेज कुछ है, सीवर का पानी घुसता है, तो क्या होता है, आर ओ अगर हम लगाते हैं, आर ओ प्रॉपर पानी में से स्मेल, पीलापन, कालापन, एक्सेस क्लोरीन, बैक्टीरिया वायरस प्लस हैवी मेटल्स को भी निकालता है। सबसे मेन चीज़ है हैवी मेटल्स जो पानी में मिक्स होते हैं एम सी डी के में भी, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, ऐसी चीज़ें जो होती हैं। तो प्रॉपर हमें प्योरीफिकेशन के लिए आर ओ लगाना चाहिए सिटी में खासकर। हाँ, अगर आपका पानी आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया आ रहा है, उसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ भी ऐसा कलर वगैरह नहीं है और पानी 100 ppm का है, तो हम आर ओ नहीं भी लगाएंगे, यू भी लगाएंगे तो चलेगा। लेकिन सिटी में आजकल ज़्यादातर है कि पानी गंदा आता ही है एम सी डी का भी, तो इसलिए हमें आर ओ खारे में भी लगाना चाहिए, मीठे में भी लगाना चाहिए। लेकिन आर ओ हमें वो लगाना चाहिए मीठे पानी में जो मिनरल्स भी इन्हेंस करे, जो पानी में मिनरल्स को छोड़े। अच्छा, ठीक है, तो उसमें उस बारे में बताता हूँ दो मॉडल जो बहुत अच्छे मॉडल हैं आपके, रिवाइटो मैक्स एंड रिवाइटो प्रो। अच्छा, आज हम सिर्फ इन दोनों मॉडलों के बारे में बात करेंगे और इनके डिफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिवाइटो मैक्स से। रिवाइटो मैक्स की हम बात करते हैं, ये सबसे मेन चीज़ है, ये आर ओ प्लस एम एफ प्लस यू वी इन टैंक के साथ आता है। अच्छा, इसमें आपका डबल यू वी लैम्प आता है टैंक के अंदर। अब टैंक के अंदर यू वी लैम्प होने से क्या होता है, अगर आपकी डिवाइस ऑन है और इसके अंदर पानी है, भले ही आप एक हफ्ते के बाद भी आके वो पानी पीते ना, अगर डिवाइस बस कंडीशन है, डिवाइस ऑन रहनी चाहिए, वो पानी में आपका बैक्टीरिया एक्टिवेट नहीं होने देता लॉन्ग टर्म के लिए भी। और दूसरा, डबल यूवी लैंप लगाने का ये फ़ायदा हो जाता है इसके टैंक में कि दोनों यूवी लैंप अगर लगे तो एक पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, तो उससे लाइफ जो है यूवी लैंप की इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अप्रोक्सीमेटली आपका जैसे 10,000 घंटे है तो वो दुगनी हो जाएगी आपकी, एक आइडिया 20,000 hours हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये 8-stage प्योरीफिकेशन के अंदर आता है। अब 8-stage आता है, 8-stage तो ठीक है, मगर इसमें जो खास चीज़ है वो ये है, आर ओ में मेन काम करती है आर ओ मेम्ब्रेन। अच्छा, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है सबसे मेन काम इसका होता है। डिपेंड करता है कि ये किस क्वालिटी की लगी हुई है।
अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये इसमें जो मेम्ब्रेन पीरियड यूज करती है 175 जीपीडी की यूज करती है। ये आप आरओ का बता रहे हैं कि आरओ का क्या काम होता है? हाँ ठीक है, ये 175 जीपीडी की मेम्ब्रेन यूज करते हैं। अब 175 जीपीडी की मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, एक फायदा ये हो जाता है कि इसमें ना वाटर रिकवरी बहुत है, इसमें 70% की वाटर रिकवरी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 10 लीटर पानी आरओ में से निकला, 10 में से 7 लीटर ये सेव करता है, 3 लीटर वेस्ट करेगा। अच्छा ठीक है। और दूसरा, इसकी जो प्योरीफिकेशन स्पीड है, प्योरीफिकेशन स्पीड नॉर्मल आरओ की वैसे होती है 1 घंटे में 9 से 12 लीटर की, इसमें 1 घंटे में 28 लीटर तक की प्योरीफिकेशन स्पीड आपको देगा। दूसरा इसमें ये है, जैसे आपने देखा होगा 70% की रिकवरी है, और अदर में आप देखोगे तो कैंट में हो गया या किसी अदर कंपनी में हो गया 50% की रिकवरी आती है, या फिर क्या होता है 10 लीटर पानी जाता है ना जो नॉर्मल होता है सब में, 10 लीटर पानी में से हमारा 3 से 4 लीटर सेव करता है और 6 लीटर के करीब 5 से 6 लीटर बचाता है। ये मगर इसमें आपकी रिकवरी एक तो ज़्यादा है 70% की है, दूसरा प्योरीफिकेशन स्पीड भी फास्ट है, 1 घंटे में 28 लीटर। अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, जो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एमसीडी के पानी में हमें आरओ क्यों लगाना चाहिए, जैसे सिटी वगैरह में, कि पानी जल बोर्ड तो अपना काम ओके करता है, लेकिन बात यह है जो पाइप जो बिछे हुए हैं ना हमारे पास यहाँ पर 25-30 सालों से बिछे, उनको नहीं जल बोर्ड सफाई करता, तो वहाँ पे वो पानी गंदा होता है, उसमें हैवी मेटल्स भी मिक्स होते हैं क्योंकि सीवर का या नाले का पानी भी उसमें चला जाता है। अब मेन चीज़ है, पीरियड जो इस मॉडल में आपको दे रही है ये WQA और NSF से टेस्टेड है, इंडिपेंडेंटली टेस्टेड है, ये हैवी मेटल्स पे, जो लेड मरकरी एसनिक ऐसी चीज़ें होती हैं ये टेस्टेड है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और पानी इसमें आप खारा यूज़ करो क्या मीठा यूज़ करो, दोनों पानी पे काम करता है। अगर मीठे पानी भी यूज़ करते हो तो ये मिनरल इनहेंसर के साथ है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो पानी में रहेगा। अच्छा, वैसे ये आरओ का मतलब क्या होता है कि आप बताएंगे, तो आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हमारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है। हाँ, हम ज़्यादा इसको टिपिकल नहीं बताएंगे, सिंपल भाषा में बताएंगे कि ये खारे पानी को सॉफ्ट करता है, ओके, मीठे में कन्वर्ट करता है। दूसरा, जो मेम्ब्रेन होती है मेन काम वही करती है आरओ के अंदर। अच्छा, वो सारी चीज़ें निकालती है, पानी में से स्मेल, पीलापन, कालापन, एक्सेस क्लोरीन, बैक्टीरिया, वायरस, हैवी मेटल्स। अच्छा, और बैक्टीरिया एंड वायरस मेम्ब्रेन निकालती है क्योंकि उसमें 0001 माइक्रोन का होल होता है जिससे पानी पास होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात रिवाइटोमैक्स की। अब रिवाइटोमैक्स में अगर हम एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसकी मेम्ब्रेन की लाइफ 8000 लीटर है। अच्छा, लॉन्ग फिल्टर लाइफ है, मेम्ब्रेन की लाइफ है ओनली, ये मेम्ब्रेन की लाइफ 8000 लीटर चलेगी चलेगी मेम्ब्रेन इसकी। और इसमें आपको ये इंडिकेशन मिल जाते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल इंडिकेशन है, इसमें आपका वाटर लेवल का है, फिल्टर चेंज का भी इंडिकेशन दे रखा है, प्लस सबसे बड़ी बात है यूवी लैंप का भी इंडिकेशन दे रखा है। अच्छा, क्या होता है नॉर्मल जैसे हम किसी भी कंपनी का आरओ खरीदते हैं, यूवी लैंप जल्दी से किसी भी कंपनी का ख़राब नहीं होता, उसकी लाइफ होती है 8 से 10 साल लाइफ होती है यूवी लैंप की, यूवी लैंप जल्दी से ख़राब नहीं होता। मगर क्या होता है, जैसे जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं या बंदे हैं वो कोई आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर पाए, चीट ना कर पाए, या कोई लोकल बंदा कोई चीट ना कर पाए कि आपका यूवी लैंप ख़राब हो गया है। ठीक है, तो इसलिए यूवी लैंप का भी इंडिकेशन दिया है कि जब यहाँ से इंडिकेट करे तभी आपको यूवी लैंप चेंज कराना है। अच्छा, एंड ये सेकंड ऊपर जेकेके क्या है? ये फिल्टर चेंज का ऑप्शन है। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और है, इसमें ये आपको साथ में ये प्री फिल्टर भी कंपनी पीरियड साथ में। अच्छा, ये साइड में बोतल लगती है? ये सारी कंपनियाँ साथ में नहीं देती हैं, सारी कंपनियाँ साथ में नहीं देती हैं, और ये पीरियड आपको साथ में देता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, और जो पीरियड देता है वो यूनिक प्री फिल्टर देता है। इसमें क्या आप देख रहे हो, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, वैसे नॉर्मल इतना साइज होता है प्री फिल्टर का जी। इसमें क्या है, इसमें कार्बन भी है साथ में प्री फिल्टर भी, दोनों फिल्टर हैं इसके अंदर। ये विजिबल डर्ट्स को भी रोकता है, मिट्टी को भी होल्ड करता है, साथ में ये स्मेल को भी रोकता है बाहर के बाहरी। इससे क्या होता है कि हमारे जो अंदर के इसमें फिल्टर लगे हुए हैं, इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो ख़राब जल्दी नहीं होते। अच्छा, इसका ये बेनिफिट होता है। अदर कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां, सारी कंपनियों की बात नहीं करूंगा, ज़्यादातर कंपनियां इसको अलग से सेल करती हैं, वो 1000 रुपीज़ तक आपसे चार्ज लेती हैं ऑलमोस्ट। अब हम बात करेंगे रिवाइटो प्रो। तो इस वाले जैसे ये वाला मॉडल था, इसके अंदर हमारा आरओ प्योरीफिकेशन, ये MF रहता है, यूवी इन टैंक। MF का काम क्या है? MF होता है सर माइक्रो फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन जो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। ये सबसे एंड में लगा होता है, ये ठीक है, आपको ये श्योरिटी देता है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो सुरक्षित पी रहे हैं, उबले जितना सुरक्षित पी रहे हैं। अच्छा, वैसे कैपेसिटी से कितनी है? ये 9 लीटर की कैपेसिटी में। अच्छा, रिवाइटोमैक्स 9 लीटर का। अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, 8 से 10 मेंबर पानी पीने वाले भी हैं, तो ये इजिली आप
ले सकते हो, इजीली वर्क कर जाएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक तो प्योरीफिकेशन पास, स्टोरेज भी 9 लीटर, जैसे जैसे पानी भरेगा अगर आप यहाँ से एक गिलास भी निकाल लेंगे वो दोबारा अपने आप फिल कर लेगा। ऑटो रिफिल पे है, मैनुअल में वर्क करेगा। एंड अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस कितना हो जाएगा इसका? प्राइस जो सर इसका आता है वो अगर आप देखते हैं तो ये आपका आता है 20,499 का प्राइस में। अच्छे इफेक्टिव प्राइस है, बाकी स्टोर विजिट करने के ऊपर। फिर स्टोर विजिट कर सकते हैं आप। इसके बाद आप देखेंगे तो ये आता है रिवाइटो प्रो। इस सीरीज के बाद आपका ये वाला आता है रिवाइटो प्रो। रिवाइटो प्रो में क्या अंतर है रिवाइटो मैक्स से? आप देखेंगे ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस लुक का डिफरेंस आएगा। मेन एक डिफरेंस जो सबसे बेसिकली दो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ जो प्रो और मैक्स में है। अगर प्रो की हम बात करते हैं, इसमें जैसे 9 लीटर की स्टोरेज थी मैक्स में, इसमें आपकी 8 लीटर की स्टोरेज है, इसमें 8 लीटर का टैंक है। और इसमें जो है आपका, जैसे इसमें डबल यूवी लैंप था टैंक के अंदर, इसमें सिंगल यूवी लैंप है रिवाइटो प्रो में। बाकी ऑलमोस्ट जो फीचर इसके अंदर हमने बताए थे, बात करी थी, वो सारे फीचर सेम आप देख सकते हैं, सारे के सारे सेम रहेंगे। सिर्फ एक डबल यूवी लैंप का अंतर है, उसमें डबल यूवी लैंप है, इसमें सिंगल, और ये 8 लीटर में आता है। अच्छा, वो 9 लीटर में था, ये 8 लीटर में। इसके साथ भी प्री फिल्टर साथ में आएगा? इसके साथ भी आपको यही वाला सेम फिल्टर मिलेगा। क्वालिटी वाइज ये भी बहुत बेटर चीज है। अच्छा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। अच्छा, इसमें भी 8,000 लीटर प्योरीफिकेशन लाइफ, इसमें भी 8,000 प्योरीफिकेशन लाइफ आएगी। मिनरल इनहेंस, इसमें भी वाटर रहेगा, MFNUV टैंक। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी रहेगा सेम सेम ही फीचर। अब इसमें क्या है, तीन मॉडल आते हैं इसमें, ये सीरीज में तीन आपके आएंगे, रिवाइटो मैक्स, रिवाइटो प्रो, एंड एक तीसरा भी आता है रिवाइटो प्राइम। प्राइम, अच्छा, रिवाइटो प्राइम की हम बात करेंगे तो वो 7 स्टेजेस में आता है। और ये दोनों कितने स्टेज में है? ये दोनों 8 स्टेजेस के अंदर। अच्छा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी वैसे? अराउंड रिवाइटो प्राइम की भी स्टोरेज आपकी जो है 8 लीटर आती है, वो वैसे ऑनलाइन ही ज्यादा अच्छा, आपको मिलेगा अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे। ठीक, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं उसमें, एक पिंक कलर में भी आता है, एक ब्लैक कलर में भी आता है रिवाइटो प्राइम। अच्छा, एंड अगर ये जो रिवाइटो प्रो मॉडल है इसका प्राइस की बात करें तो ये कितना कॉस्ट करता है? ये आपका 19,000 रुपये की रेंज में, दोनों के प्राइजेज में 1,500 रुपये का डिफरेंस है। अच्छा, और जो मेजर, मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ, मेजर जो डिफरेंस है स्टोरेज का है, इसमें 8 लीटर है, इसमें 9 लीटर है। ये आपका जो है डबल यूवी लैंप के साथ है, ये सिंगल यूवी लैंप के साथ है, और दोनों ही मॉडल काफ़ी अच्छे हैं आपके। पानी आपका कोई सा भी हो, बोरवेल का, टैंकर का, MCD का, तीनों पानी में काम करते हैं, ये चीज़ रहेगी इसमें। बाकी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा जो कि मुझे खुद भी ट्रस्ट है, ये कंपनी आती है हिंदुस्तान लीवर पीरियड की। अब हिंदुस्तानी लीवर का मेन मोटिव ये है कि हिंदुस्तानी लीवर कभी भी कस्टमर के साथ वो नहीं करता। अगर आप इसको ले रहे हो तो आप पानी इसका टेस्ट करा सकते हो कहीं पे भी, पानी इसका बहुत बढ़िया होता है जिस पर्पज से हम ले रहे हैं वाटर प्यूरीफायर, ये चीज़ पानी इसका बहुत बढ़िया होता है। अगर ये RO आपका, जैसे मान लो ये 2000 TDS तक काम करता है, और अगर आपका TDS 2000 से 2500 या 3000 भी होता है तो वहाँ पे यूनिट आपका वहाँ पे RO इंस्टॉल नहीं करेगा। जितनी इसकी कैपेसिटी है उतने ही TDS पे काम करता है। तो ये थी वीडियो जिसमें मनोज जी ने आपको रिवाइटो मैक्स और रिवाइटो प्रो के बारे में बताया। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो बताई।